Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Oxford vaccine test results. This topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं. एज आई सेड दिस आर्टिकल इज अबाउट द वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अलोंग विथ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी AstraZeneca. और इस वैक्सीन का टेस्ट रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है. फेज वन एंड फेज टू ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स का टेस्ट रिजल्ट पब्लिश हुआ है इन द लैंसेट विच इज़ अ मेडिकल जर्नल. इट्स अ वेरी पॉपुलर मेडिकल जर्नल. आप सब ने भी इसका नाम जरूर सुन रखा होगा. तो इस आर्टिकल की मदद से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हाउ कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स अ ह्यूमन बॉडी. देन वी विल सी दैट दिस पर्टिकुलर वैक्सीन बींग डेवलप्ड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हाउ इट इज़ बींग डेवलप्ड हाउ इट विल वर्क एंड वॉट आर द आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ फेज वन एंड फेज टू ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ दिस वैक्सीन. तो जो पहला क्वेश्चन है दैट हाउ कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स अ ह्यूमन बॉडी, उसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं. देखो कोरोना वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं. अगर ये है कोरोना वायरस तो इसके बॉडी सरफेस पे इस तरह के स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं, एक तरह के स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो इस कोरोना वायरस के बॉडी के ऊपर होते हैं, इस तरह के स्पाइक्स प्रोटीन. बाकी इसके बॉडी के अंदर एक तरह का mRNA होता है. सो इट इज़ RNA बेस्ड वायरस और इसके बॉडी पे इस तरह का एक स्पाइक्स प्रोटीन होता है, एक स्पाइक. और ये हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम और थ्रू आईज. और एक बार जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है उसके बाद ये हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करता है, हमारे बॉडी सेल्स, अलग अलग तरह के बॉडी सेल्स के ऊपर ये अटैक करता है विथ हेल्प ऑफ दिस स्पाइक्स. जो इसके ऊपर ये स्पाइक्स प्रोटीन है उसकी मदद से हमारी बॉडी सेल्स को पंक्चर करता है, उसमें एक तरह का होल क्रिएट करता है और उस होल की मदद से ये फिर हमारी बॉडी सेल्स के अंदर घुस जाता है. और एक बार जब ये हमारी बॉडी सेल्स के अंदर घुस जाता है तो धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, मतलब इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज इट्स नंबर. तो धीरे से ये फिर डबल होगा, ट्रिपल होगा और ये अपने नंबर्स बढ़ाना शुरू कर देगा इनसाइड आवर बॉडी सेल. और उसके बाद धीरे धीरे हमारे ये बॉडी सेल्स को मारने लगेगा, किल करने लगेगा. और इस तरीके से ये बेसिक मैकेनिज्म है कोरोना वायरस के काम करने का. तो अब जरा समझते हैं कि ये जो वैक्सीन डेवलप हो रही है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये कैसे काम करेगी. तो इस वैक्सीन के अंदर एक वायरस का इस्तेमाल किया जाएगा, एक वायरस जिसका नाम है एडेनो वायरस. ये पर्टिकुलर तरह का वायरस ये चिंपैंजीज के अंदर खासकर उनको ये इन्फ्लुएंजा या कफ का प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. तो ये एडेनो वायरस का इस्तेमाल किया जाएगा. इस वायरस को इस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा कि ये ह्यूमंस के अंदर एक तरह की एंटीबॉडी डेवलप कर दे अगेंस्ट कोरोना वायरस. देखो ये एडेनो वायरस का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस एडेनो वायरस के ऊपर भी कोरोना वायरस की तरह स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं. तो इस एडेनो वायरस को हम लोग इस तरह से म्यूटेट कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे कि हमारी बॉडी को ज़्यादा डैमेज ना कर पाए. लेकिन इसके ऊपर भी स्पाइक्स प्रोटीन है तो जब हमारी बॉडी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो स्पाइक्स प्रोटीन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक तरह की एंटीबॉडी डेवलप करेगी. और उसके बाद ये तो एडेनो वायरस वैसे भी ज़्यादा डेडली नहीं है, थोड़ा बहुत हमें सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, हल्का फुल्का फीवर भी हो सकता है आफ्टर टेकिंग दिस वैक्सीन, लेकिन थोड़े टाइम बाद हम रिकवर कर जाएंगे. लेकिन इस वैक्सीन की मदद से होगा क्या कि हमारे बॉडी के अंदर इस तरह के स्पाइक्स प्रोटीन के अगेंस्ट एक तरह की एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी. तो फ्यूचर में अगर सच में कभी कोई कोरोना वायरस भी हमारी बॉडी को अटैक करने की कोशिश करेगा तो हमारी बॉडी की वो जो एंटीबॉडी डेवलप हो गई है बिकॉज ऑफ दिस एडेनो वायरस, वो इस कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा और वो इस कोरोना वायरस के ऊपर अटैक कर देगा, वो इसके स्पाइक प्रोटीन को हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करने नहीं देगा. इस फिगर की मदद से समझ लेते हैं, ये है मॉडिफाइड एडेनो वायरस.
इसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस एडेनो वायरस के ऊपर भी स्पाइक्स होते हैं, तो हमारी बॉडी इस स्पाइक्स को आइडेंटिफाई कर लेगी और हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। और जब ये एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी तो फ्यूचर में ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट कोरोना वायरस ऑल्सो, क्योंकि कोरोना वायरस के ऊपर भी इस तरह के स्पाइक्स हैं। तो जैसे ही ये स्पाइक्स वाले कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, ये एंटीबॉडी उन पर अटैक कर देगा। सो दिस कोरोना वायरस, वंस दिस एंटीबॉडी इज डेवलप्ड इन आवर बॉडी, दिस कोरोना वायरस विल नॉट बी एबल टू पंक्चर आवर सेल्स एंड इंटर इनटू आवर सेल्स। उसके ऊपर से जो एंटीबॉडी डेवलप होगी वो इस कोरोना वायरस को किल कर देगा। अब जरा समझते हैं कि व्हाट इज़ द टेस्ट रिजल्ट ऑफ फेज वन एंड फेज टू ट्रायल्स ऑफ दिस वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो आज के इस आर्टिकल की मदद से हमें ये पता चला है, जो लैंसेट में रिपोर्ट छपी है, दैट टेल्स कि जो आउटकम है फेज वन और फेज टू का ऑफ ह्यूमन ट्रायल, दैट इज़ वेरी मच पॉजिटिव। सो इट्स अ गुड साइन। अब उम्मीद की जा सकती है कि इस साल अक्टूबर नवंबर तक शायद से वैक्सीन अवेलेबल हो जाए मार्केट में, ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन माइट बी अवेलेबल इन द मार्केट। आउटकम्स देखते हैं क्या क्या पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आए हैं। सबसे पहले तो बताया गया है कि दिस वैक्सीन वॉज सक्सेसफुल इन डेवलपिंग एंटीबॉडीज इनसाइड द ह्यूमन सेल इन ऑलमोस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये ह्यूमन ट्रायल किया गया था फेज टू का, और उन सब के अंदर जो एक्सपेक्टेड एंटीबॉडी थी डेवलप होने वाली वो हुई है। मतलब एक बार उनके अंदर अब एंटीबॉडी डेवलप हो गई है तो उनके अगेंस्ट अब कोरोना वायरस एक्ट नहीं कर सकता। और इसके ऊपर से एक और पॉजिटिव इंडिकेटर है कि अपार्ट फ्रॉम दीज एंटीबॉडीज, उन सारे लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ये वैक्सीन ट्रायल किया गया है, उनके टी सेल्स की काउंटिंग भी बढ़ गई है। टी सेल्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस कैंसर सेल्स एंड वर्क्स टू एक्टिवली डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स। तो ये जो वैक्सीन है इसके डबल फायदे हैं, ऐसा इस लैंसेट मैगजीन के आर्टिकल में छपा है। पहले तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करेगा, साथ ही साथ हमारे टी सेल्स की नंबर्स भी बढ़ा देगा, ताकि हमें कैंसर से भी प्रोटेक्शन मिले और अलग तरह के भी पैथोजेंस से प्रोटेक्शन मिले। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट मार्स मिशन ऑफ UAE, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम द सब टॉपिक अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले न्यूज आर्टिकल समझते हैं, करेंट डेवलपमेंट समझते हैं। UAE ने एक मार्स मिशन लॉन्च किया है, एंड विद दिस UAE हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब वर्ल्ड कंट्री टू हैव अ मार्स मिशन। इस मार्स मिशन का नाम है अल अमाल, जिसको होप प्रोब भी कह सकते हैं। तो उनके अरबिक लैंग्वेज में इसका नाम है अल अमाल, एंड इन इंग्लिश इट इज़ नेम्ड होप प्रोब, एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड विद हेल्प ऑफ अ जैपनीज मैन्युफैक्चरर मिसीबिशी हेवी इंडस्ट्री। तो मिसीबिशी ने इसके लिए रॉकेट बनाया है, और जापान के ही एक लॉन्च सेंटर जिसका नाम है तानेगासिमा स्पेस पोर्ट एट तानेगासिमा आइलैंड ऑफ जापान, वहाँ से इस मार्स मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ये मिशन है UAE का, इस बात को आपको ध्यान से समझना है, यानी कि जो उसके ऊपर का प्रोब है, स्पेस क्राफ्ट है, वो UAE का है। लेकिन उस स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए, मार्स के पास भेजने के लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, वो एक जापानीज कंपनी मिसीबिशी ने बनाया है, और साथ ही साथ इसको जो लॉन्च किया गया है वो भी जापान के ही एक स्पेस क्राफ्ट फैसिलिटी जिसका नाम है तानेगासिमा, दैट इज एट तानेगासिमा आइलैंड ऑफ जापान, वहाँ से को लॉन्च किया गया है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस होप मिशन, सबसे पहली बात यह है कि इट इज द फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन फॉर अरब वर्ल्ड, एंड होप ऑर्बिटर विल बी लिफ्टेड फ्रॉम एन H2A रॉकेट फ्रॉम मिसीबिशी हेवी इंडस्ट्री, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स अराउंड फेब्रवरी 2021। तो अगले साल ये फेब्रवरी के आसपास ये मार्स ऑर्बिट के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि 50वीं एनिवर्सरी होगी UAE के प्रेजेंट रिजाइम के फाउंडिंग की। देखो ऑर्बिटर मिशन इस तरह का कुछ मिशन होता है, जो ये प्रोब होता है वो एक प्लैनेट के अराउंड जा करके ऑर्बिट करना शुरू कर देता है, बस घूमना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटर मिशन। क्या क्या बेनिफिट्स उम्मीद की जा सकती है फ्रॉम दिस ऑर्बिटर मिशन होप प्रोब ऑफ UAE? इसके मदद से
वी विल गेट टू नो अबाउट वेदर ऑफ मार्स ऑल टाइम ऑफ द डे। तो पूरे दिन भर में मार्स के ऊपर किस तरह का वेदर रहता है वो इस मार्स मिशन से पता चल सकता है अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो। उसके अलावा मार्स के एटमोसफेयर में जो अलग अलग तरह के एटमोसफेरिक कंडीशंस या फिनोमिनाज होती हैं जैसे डस्ट स्टॉम्स वगैरह, उसकी भी स्टडी की जाएगी। प्लस दिस प्रोब मिशन विल ऑल्सो स्टडी द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन प्लैनेट मार्स। तो क्या कभी भी लिक्विड प्लैनेट मार्स पे था या अभी भी किस फॉर्म में है, इस सारी चीज़ों की स्टडी की जाएगी अंडर दिस होप प्रोब मिशन ऑफ यूएई। अब इसी महीने दो और मार्स मिशन भेजे जा रहे हैं ऑन मार्स। सो टू मोर मार्स मिशन आर बीइंग सेंट इन दिस मंथ जुलाई इटसेल्फ। पहला है नासा का मार्स रोवर मिशन जिसका नाम है परसीवरेंस, इसको भेजा जाएगा इस महीने के 30 जुलाई को एंड इट विल लुक फॉर साइन ऑफ हैबिटेबल कंडीशंस एंड माइक्रोबियल लाइफ इन मार्स। हैबिटेबल कंडीशंस देखी जाएगी कि क्या इंसानों के रहने लायक कंडीशंस बनाई जा सकती है मार्स पे, उसके अलावा क्या मार्स के ऊपर लाइफ प्रेजेंट है या नहीं, किसी भी फॉर्म में माइक्रोब्स फॉर्म में भी लाइफ प्रेजेंट है या नहीं, ये स्टडी करेगा यह परसीवरेंस ऑफ नासा। इट विल ऑल्सो कलेक्ट रॉक्स फ्रॉम मार्स एंड स्टडी द सैम्पल्स फॉर एनालिसिस। उसके अलावा जो दूसरा मिशन भेजा जा रहा है ऑन मार्स इस मंथ में उसका नाम है तियानवेन वन ऑफ चाइना। इट विल बी चाइनाज फर्स्ट मार्स प्रोब मिशन एंड इट एम्स टू स्टडी मार्स टोपोग्राफी एंड जियोलॉजी। तो ये मार्स के ऊपर का जो रॉक है उसको स्टडी करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करेगा। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर इस मंथ में ऐसा क्या स्पेशल है, इस जुलाई 2020 में ऐसा क्या स्पेशल है कि इतने सारे मार्स प्रोब मिशन इस महीने में भेजे जा रहे हैं। तीन मार्स प्रोब मिशन एक मंथ के अंदर, दैट मीन्स देर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस मंथ। समझते हैं वो क्या स्पेशलिटी है। देखो, हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लगभग 365 डेज में कम्प्लीट हो जाता है, वैसे ही मार्स सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है इन 687 डेज। तो इस रिवॉल्यूशन के प्रोसेस में जब अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है और मार्स भी रिवॉल्व कर रहा है, इस प्रोसेस में लगभग 26 मंथ्स के बाद एक इस तरह की कंडीशन आती है जब सन और अर्थ और मार्स सब एक साइड में, यानी कि सन के एक ही साइड में अर्थ और मार्स भी है, यानी कि अर्थ और मार्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे। इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में अर्थ और मार्स की डिस्टेंस सबसे कम होती है जब इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है अर्थ और मार्स के बीच में। और ये अरेंजमेंट लगभग हर 26 महीने के बाद, आफ्टर एवरी 26 मंथ्स ये अरेंजमेंट अर्थ और मार्स के बीच में क्रिएट होता है। और ये मंथ जो जुलाई 2020 का है, दिस इज मंथ ऑफ दिस अलाइनमेंट। इस मंथ में अर्थ और मार्स सबसे नज़दीक होंगे, तो इस कारण से इस मंथ में जो प्रोब भेजे जाएंगे उनको सबसे कम फ्यूल लगेगा और सबसे कम ट्रैवल टाइम भी लगेगा। सो दिस इज स्पेशल थिंग अबाउट दिस मंथ जुलाई 2020। अभी तक जो मार्स मिशन भेजे गए हैं उनको भी एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो देखो, मार्स पे लैंडर मिशंस भेजे गए हैं दो, इनसाइट एंड क्यूरोसिटी, एंड बोथ आर मिशन फ्रॉम नासा। तो यूएस की स्पेस एजेंसी नासा ने दो लैंडर मिशन भेजा है मार्स के ऊपर। लैंडर मिशन आप सब समझते हैं जो जा करके किसी भी प्लैनेट पे लैंड करे, उसको हम कहते हैं लैंडर मिशन। जबकि ऑर्बिटर मिशन मार्स के ऊपर अभी तक 6 भेजे जा चुके हैं, 3 फ्रॉम यूएस स्पेस एजेंसी नासा, 2 फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इंडिया की भी एक ऑर्बिटर मिशन भेजी जा चुकी है मार्स के ऊपर, आप सबको ज़रूर पता होगा, जिसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मार्स सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। यूएस इंडिया नेवी कैरीज आउट मिलिट्री ड्रिल ऑफ अंडमान्स। सो न्यूज़ आर्टिकल पहले समझते हैं, भारत की नेवल शिप्स ने एक नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है पैसेक्स एक्सरसाइज या पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया विथ यूएस नेवल शिप्स जिसका नाम है निमिच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। ये यूएस की सबसे बड़ी नेवल ग्रुप है। आपको पता है कि नेवी में भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं, तो यूएस की एक नेवी की यूनिट है जिसका नाम है निमिच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसके साथ इंडिया की नेवी ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज या पैसेक्स।
इंडिया की तरफ से जो नेवल शिप्स ने हिस्सा लिया वो हैं INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कमोर्था एंड INS राणा। एक बार जरा समझते हैं कि व्हाट इज दिस पैसेज एक्सरसाइज। तो एक पैसेज एक्सरसाइज इज नॉर्मली अंडरटेकन व्हेन एवर एन अपॉर्चुनिटी अराइजेज इन कॉन्ट्रास्ट टू प्री प्लान्ड मैरीटाइम ड्रिल्स। जैसे कि प्री प्लान्ड मैरीटाइम ड्रिल्स आपने मालाबार एक्सरसाइज जरूर सुन रखा होगा, उसकी पहले से प्लानिंग होती है कि कब हम कंडक्ट कराएंगे, उसके पहले से एजेंडा क्लियर होते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइजेस किए जाएंगे। जबकि जो पैसेज एक्सरसाइज होते हैं जिनको हम पैसेक्स शॉर्ट में कहते हैं, इसके कोई प्रॉपर टाइमिंग या प्रॉपर एजेंडा नहीं होता है। जब भी दो नेवी को ऐसा लगता है कि दे आर हैविंग अ टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी, वो इस तरह की पैसेक्स या पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट कर लेते हैं। हाल फिलहाल में US के साथ हमने पैसेज एक्सरसाइज किया है, उसके पहले हमने जापानीज नेवी और फ्रेंच नेवी के साथ भी इस तरह का एक पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया था। अब जरा समझते हैं कि इस पैसेज एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, दो बेसिक स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है दैट इट विल बिल्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन US एंड इंडिया नेवीज, एंड इन दिस वे बोथ US एंड इंडियन नेवीज विल बी एबल टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज लाइक पायरेसी इन इंडियन ओशन। तो सरल शब्दों में इंडियन ओशन के अंदर ओवरऑल दे विल बिकम नेट सिक्योरिटी सप्लायर। इंडियन ओशन के अंदर दे विल विथ हेल्प ऑफ इंडिया एंड US नेवी कोऑर्डिनेशन वी विल बी एबल टू अवॉइड एनी सिक्योरिटी थ्रेट अराइजिंग फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक पायरेट्स। उसके अलावा चाइना फैक्टर इज द मेजर रीजन क्यों US इज सो मच इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग सम मेरी टाइम एक्सरसाइजेस और नेवल और आर्मी एक्सरसाइजेस विथ इंडिया। क्योंकि हाल फिलहाल में चाइना के साथ US की कन्फ्रंटेशन हुई थी साउथ चाइना सी के अंदर, जब US की दो नेवी यूनिट USS निमिच एंड USS रोनल्ड रेगन वॉज कन्फ्रंटेड बाई चाइनीज नेवी इन साउथ चाइना सी। तो उसके बाद US ने फैसला लिया दैट इट विल कंडक्ट अ पैसेक्स एक्सरसाइज और अ पैसेज एक्सरसाइज विथ इंडियन नेवी इन इंडियन ओशन नियर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो चाइना फैक्टर इज़ वन मेन रीजन। इंडिया के साथ भी गलवान में स्टैंड ऑफ हो चुका है चाइना का, तो उसके बाद से इंडियन नेवी भी काफ़ी ज़्यादा कॉशस है। इट इज़ ऑन हाई अलर्ट रिगार्डिंग एनी राइजिंग चाइनीज थ्रेट इन इंडियन ओशन, और साथ ही साथ US ऑल्सो वॉज कन्फ्रंटेड बाई चाइनीज नेवी इन साउथ चाइना सी। इस कारण से ये दोनों कंट्रीज ने मिल करके ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराया है इन ऑर्डर टू पुट सम प्रेशर ओवर चाइना, इन ऑर्डर टू अवॉइड इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज़ अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फोर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले न्यूज आर्टिकल समझते हैं। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो पिछले साल ही पास कर दिया गया था, एंड दिस विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इट हैज़ बीन ब्रॉट इन टू इफेक्ट फ्रॉम येस्टरडे, दैट इज फ्रॉम 20th जुलाई। तो जरा समझते हैं कि वॉट आर द की फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। सबसे पहले तो देयर हैज बीन ए स्पेसिफिक डेफिनेशन गिवन टू द कंज्यूमर कि कौन कंज्यूमर कहा जाएगा, पहले उसको स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल्स अ सर्विस। तो कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं या कोई भी सर्विस अगर हम लेते हैं तो हम कंज्यूमर हैं, और वो सामान हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड कैसे भी खरीदें हम, वी विल बी कंसिडर्ड ए कंज्यूमर, और हमें उस केस में हमारे राइट्स मिलेंगे और हमें प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। ऐसा नहीं है कि अगर हमने ऑनलाइन मोड में ख़रीदा है तो हमारे लिए ये राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। इट विल बी अवेलेबल फॉर बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कंज्यूमर्स। लेकिन जो इंसान गुड्स या सर्विसेज खरीदता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यानी कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए खरीदता है, आपने मान लो लैपटॉप के आप होल सेलर हैं, आपने लैपटॉप खरीदा दोबारा बेचने के लिए, तो यू विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स में हो सकता है कि इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए। दूसरा, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स क्या क्या दिए गए अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। तो सबसे पहला राइट है राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हजार्डस मटेरियल्स अगेंस्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खाने से हमारे लाइफ पे या प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का डैमेज होता है उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मतलब अगर कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर है, कोई भी ऐसा सप्लायर है जिसके प्रोडक्ट को के इस्तेमाल करने से हमें कोई भी निगेटिव डैमेज होता है,
तो हमें कंपनसेशन मिलेगा और उस प्रोड्यूसर या सप्लायर को पेनल्टी लगाई जाएगी। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हमारा अधिकार है कि क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, क्या क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना उसकी प्योरिटी है, वो सारी चीज़ें हमें जानने का अधिकार है। यानी कि वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिक तरीके से लिखी जानी चाहिए। अब आप आज से आप ध्यान देंगे कि इस वीकेंड से भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं कि जो ऑनलाइन सप्लायर्स हैं जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट हैं, इनको अपने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक तरीके से मेंशन करनी होगी कि ये प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। उसके अलावा ऑनलाइन सप्लायर्स के लिए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सप्लायर्स हैं, उनके लिए एक चीज़ और मैंडेटरी की गई है अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो है सोर्स ऑफ ओरिजिन, कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कौन से देश से बन के आ रहा है, वो भी आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है। तो आप देखेंगे कि इस वीक के बाद से, इस वीकेंड तक का टाइम दिया है भारत सरकार ने, उसके बाद से आप जब भी जाएंगे इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। उसके अलावा जो तीसरा राइट है, राइट टू बी अश्योर्ड ऑफ एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो हमें जो भी प्राइस हम पे कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी अनफेयर। मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि हमें किसी सप्लायर ने बेवकूफ़ बना करके 1,000 रुपये का सामान 10,000 में बेच दिया हो, उस केस में भी वी आर हैविंग प्रोटेक्शन राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हम कंप्लेन कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, इसमें हमारे साथ चीटिंग की गई है एंड द प्राइस वाज नॉट कॉम्पिटिटिव, सो दैट इज़ ऑल्सो आर राइट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। उसके अलावा जो चौथा राइट है, राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कोई भी इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होगी जिसमें हमारे राइट्स हैम्पर होंगे, मान लो बस गिने चुने लिमिटेड सप्लायर हो गए, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपके आपके यहाँ पे लोग मोनोपोली कर रहे हो, होर्डिंग कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो कि 10 रुपये का सामान 100 रुपये में बेच रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं कभी कभार, होर्डिंग करते हैं, जमाखोरी, तो वैसे चीज़ों के अगेंस्ट भी, वैसे इलीगल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसकी को पावर्स दिए गए हैं टू इन्वेस्टिगेट, कंडक्ट इंक्वायरी इन ऑर्डर टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। तो ये एक अलग से अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसके एक डायरेक्टर जनरल होंगे जो इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि किसी भी कंज्यूमर के बेसिक राइट्स वायलेट हुए हैं। फोर्थ प्रोविजन इज़ ऑफ पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर या एडवर्टीजमेंट करने वाली कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा सकती है अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हुए पाए गए तो। 10 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है या 2 साल तक का जेल भी हो सकता है फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। के अलावा जो पांचवा प्रोविज़न है, दैट इज़ रिगार्डिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो हम और आपके जैसे कंज्यूमर्स के लिए क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म है अगर हमारा कंज्यूमर राइट्स वायलेट होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए अलग अलग स्टेजेस पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, तो सबसे पहले कंज्यूमर अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर उसके कंज्यूमर राइट्स वायलेट होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाएगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकता है इन स्टेट कंज्यूमर फोरम, और स्टेट कंज्यूमर फोरम के डिसीजन के अगेंस्ट वो अपील कर सकता है इन नेशनल कंज्यूमर फोरम, और नेशनल कंज्यूमर फोरम के डिसीजन के अगेंस्ट वो अपील कर सकता है इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग इन दिस केस। उसके अलावा ज्यूरिडिक्शंस भी जरा देख लेते हैं, ये जो सेंट्रल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से इनके ज्यूरिडिक्शंस भी देख लो। देखो, अगर 1 करोड़ से कम का अगर केस है देन यू कैन गो टू डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, लेकिन अगर 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का केस है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू स्टेट कंज्यूमर फोरम, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा के फ्रॉड का केस है, यानी कि आपने 10 करोड़ से ज़्यादा का कोई सामान खरीदा है या सर्विस अवेल की है जिसमें आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, आपके राइट्स वॉलेट हुए हैं, देन इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली मूव टू नेशनल कंज्यूमर फोरम। इन आवर सेगमेंट टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 551 टू 553। टॉपिक नंबर 551 इज अबाउट सांझी आर्ट। सांझी आर्ट फ्रॉम मथुरा इज अ ट्रूली यूनिक क्राफ्ट
platform that features exquisite designs and intricate picture motifs cut into paper. The art grew in 16th and 17th century when the walls and the floors of temples were decorated with Sanchi motifs. The term Sanchi is derived from the Hindi word Sandhya, the period of dusk with which the art form is typically associated. The art depicts Indian mythological stories in numerous forms with predominant focus on Krishna Leela. Please attempt this question based on topic number 551. Topic number 552 is about Agni. Agni stands for Accelerating Growth of New India Innovations. Agni is a national initiative under guidance and support of the principal scientific advisor to the Government of India. It aims to support the ongoing efforts to boost the innovation ecosystem in the country by connecting innovators across the country, individuals and the grassroots through the market, helping commercialize their innovation solution, thereby helping propel India into new era of inclusive and economic growth. It provides support to the government laboratories for commercialization of their market-ready inventions. Agni also accepts innovation from companies or organizations registered in India. It only accepts innovations from companies and organizations registered in India. Please attempt this question based on topic number 552. Topic number 553 is about Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham is an active Sunni Islamist militant group involved in Syrian civil war. It primarily operates in Syria. Please attempt this question based on topic number 553. This is the answer of question number 548 to 550 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.